अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आप सभी देख कर ये बोले तेरे थे ये क्या ही ने दूध काजुले को बेड गियर को। और चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को बोलती हूँ कि आज मैं बनाने वाली हूँ रवा लड्डू बनाने वाली हूँ, सोजी का लड्डू भी बोले सकती हैं। और चलिए इसे जो जो लगता आप सभी को दिखा चूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सारे निकाल के रखी हूँ और सोजी शक्कर सब निकाल के रखी हूँ। 1 kg शक्कर में से 2 मुट्ठी शक्कर निकाली हूँ kg सोजी को। और चलिए दिखाती हूँ, ये kg शक्कर से 2 मुट्ठी निकाली हूँ, 1 kg सोजी है बारीक सोजी। और यहाँ पर मैं घी ली हूँ और दूध ली हूँ 1/2 लीटर, अच्छे से गर्म कर ले को, उसे ठंडा कर ली हूँ। और 4 इलायची और काजू ली हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स उसमें ज़्यादा डाले सकती हैं, पर मेरे बच्चे नहीं खाते इसके वास्ते मैं इतना डाली हूँ। और चलिए इसे भून लेते हैं सोजी को। और इसे भूनते इस टाइम पर ना बास आती है, भून गए इसे बस। और मैं यहाँ पर भगोना रख ली हूँ और सोजी डालती हूँ भूनने के वास्ते। ये देखो दाल डाली सारी, अब उसे भून ले अच्छे से। और ये देखो हलाते रहना केजी भी, एकदम दाल डाली हूँ मैं। और ऐसे अच्छे से देखो भुन गई है ये। इसे अब मैं एक प्लेट में काट लेती हूँ। मैं स्टोव ऑन करके भगोना रखी हूँ, गरम हो गया भगोना। और मैं इसमें 4 स्पून घी डाला लेती हूँ, 4 स्पून। और ये गरम हो गया है घी, काजू भी डाल डालती हूँ इसमें और अच्छे से इसे भून लेती हूँ। अब इलायची भी डाला लेती हूँ इसमें। मैं सारी डाली हूँ, कहीं को तो पिज़्ज़ा आ गया तो बच्चे ना खाते नहीं बराबर। और देखो लाल हो गई है काजू। और इसमें सोजी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। एक दो लहसुन रखते अच्छे से इसे स्टोव पे आन रखो, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब है ना नीचे उतार के रख ली हूँ मैं। और थोड़ी देर इसे 1-5 लहसुन छोड़ी हूँ, ज़्यादा हीट होने से का। अब मैं शक्कर डाल के इसे मिक्स कर लेती हूँ। देखो शक्कर डाल डाली हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमें ना स्टोव पे रख के ऐसा शक्कर को मिलाए तो शक्कर जल्दी मेल्ट हो गई सोच, पिघल गई सोच, ज़्यादा जिगट होया था, लूज होए थी इसके वास्ते ना। अब मैं स्टोव पे रख डालती हूँ। देखो स्टोव पे रख डाली हूँ। और अब है ना मैं अच्छा मिक्स करती, थोड़ा दूध डालती भी मिक्स करती रहूँ। सारा दूध एकदम डालती नहीं, कहीं को तो ढीला हो जाता। और मैं थोड़ा थोड़ा देखती हो को डालती रहूँ। ये देखो एकदम डाल डाले तो भी लूज़ होया था, हम ना को लड्डू बनाने नहीं होता, इसके वास्ते थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना। एकदम ज़्यादा डाले तो भी शक्कर घुल जाती। मैं स्टोव अभी भी आन में रखी हूँ, स्लो आंच पे रखी हूँ। और ऐसे आंच ऐसे ही रख को मिक्स कर लेना अच्छे से। और बाद में अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद नीचे उतार के रख लेना उसे। और देखो मैं नीचे उतार ली हूँ, एक प्लेट ली हूँ बड़ी, क्योंकि इसमें लड्डू बना के रखने के वास्ते थोड़ा पानी ले चूँ। ये देखो थोड़ा पानी ली हूँ। और मैं हाथ थेम करने के वास्ते, ज़्यादा बार बार थेम नहीं करना, एक एक बार ज़्यादा लग गया तैयार तो थेम करना। और मैं सारे लड्डू ऐसे बना के रख डाल चूँ इसमें। हमारे चैनल के साथ नए फ्रेंड जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बना डाली हूँ मैं और ये पूरा हो गया है ये बनाने का। और मैं पूरे बनाकर 2 प्लेट में रख डाली हूँ। और ये देखो, चलिए आपको पूरे पूरे लड्डू दिखाती हूँ बनाई सो। देखिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बन के रेडी हो गए। ये देखो माशाल्लाह, खाने में भी अच्छे टेस्ट रहते, आप भी ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखो। ये लड्डू है ना जल्दी बन के रेडी हो जाती और सिंपल भी है रेसिपी, आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखो। आज सुबह है ना जले जले उठ के रोटी डाली हूँ आज नाश्ते में, और कैरिल को भी रोटी चाहिए। आज है ना मैं खरस बनी हूँ अंडे का और जले जले बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को और इनको कैरिल बनने का है। और गनी आया है दाल को दो मार को, उसको थोड़ा बस का था, उसको थोड़ा दाल को दी हूँ। और सभी स्कूलों को ड्यूटी को इन चल गए हैं। और मैं ना बलग्रो से स्टोर के चावल थी रखी थी मैं आज मोटा, और बारीक चावल भी इसके वास्ते आज के होना। ये सब दाल डालेंगे बगीट में करको, मैं पूरा निकाल के अलग अलग कर लेती हूँ डालने के वास्ते। ये पुराने हो गए थे चावल स्टोर, इसके वास्ते इसे बाजू रख डालती हूँ निकाल के।
मैं ना स्टोर के चावल चीला के वास्ते इडली के वास्ते मंगा के बाहर से रख चूँ बगीट में दाल को, कब मुझे ज़रूरत होती है जब मैं यहाँ यूज़ कर ले चूँ इसके वास्ते यहाँ पर रख डाल चूँ बगीट डाल कर। और ये दाल डाली हूँ इसमें स्टोर के चावल, ये बारीक चावल डालती हूँ इसमें खाना पकाने के डेली इसको यूज़ होते थे सो। और मैं इसमें भी दाल डाली हूँ, इसे भी अच्छे से ढक कर रख डाल चूँ। और ये कवर्स को भी उठा को बाजू रख डाल चूँ। तो अच्छी कली मती है, कचरा कचरा जंगा है बाहर से। और ये देखो इनको ना शादी में गए हैं तो ये करना है, हम शादी के बुलाई है इनको फ्रेंड्स, वो झाड़ दिए हैं। और ये करेपा कचरे ये दो तलक रहे हैं, पानी डाली हूँ इनको, मैं बोलती हूँ इनको यहाँ पेरेंगे यार को बोलती हूँ। और ये कचरे का सूखने के वास्ते रखे उन्होंने पर यहाँ पेरेंगे यार को बोल रहे थे उनसे करवा दूँ। और एक झाड़ लगाने के बाद में पेर चूँ उसके साथ गच्चू हूँ, ये ऊपर रूम में लग जाएगा रखना, इसे हाँच रख करती हूँ इसका पूरा सा। और चावला डालती थी दाल के पूरे चावला भी क्लीन करके रख दे रही हूँ चावलों को भी, और बर्तना भी धो के अच्छे से नीचे पाजू रखता रही हूँ, नीचे रख ली हूँ स्टोव में, लेकिन तो पाँव में दर्द आप इसके वास्ते खड़ सकती ना हूँ, थोड़ी दिन के वास्ते मैं नीचे रख ली हूँ। और पूरा यहाँ भी पूरा क्लीन कर दे रही हूँ। और रेहान के डैडी ना रात को तरबूज लेते और फ्रिज में रखी थी, अब है ना निकाल को बच्चे आते हैं स्कूल से इसके वास्ते उनको खाने के वास्ते देंगे घर को, और फ्रिज में रखी थी इसने ज़्यादा कूल है, अब मैं कट करके रख दे रही तो भी बच्चे तक कूल पूरा चल जाते हैं, खाने के लिए भी अच्छा रहता है उनको, इसके वास्ते पीस पीस बना के कट करके रखेंगे घर को। रखती हूँ सारे तरबूज को मैं इसमें कट करके डाल डाली हूँ, अभी हूँ जो इसे ढाप के रख डाल चूँ, बाद में बच्चे आने के बाद दे चूँ। ये देखो रेहान आ गया है, और मैं इसे ना इन्हें बींज नहीं होना करके बोलता है, इसके वास्ते इसे बींज नहीं इसका मैं निकाल कर कट कर लगा को और छोटे छोटे देती हूँ, खुनुसता है बींजा रहती है नहीं ले खा ले बोलती हूँ मैं। अरे फर्स्ट खरबूजा खा ले, बाद में जाम खाता जाम खा खरबूजा खाया करना गला बैठ जाता है, फर्स्ट खरबूजा खा ले कहीं का तो उसमें रस आता नहीं, इसमें रस आता है नहीं, सर्दी लग जाती है मीठा छाया। हाँ जरा राखी कर रहा लोग पूरा मट्टी पूरा फैला हाँ देखो वो झाड़ू करना ढाल ला की करो उल्टे से मारना सा गलिपा गनी ना खरबूजा खा लेने के बाद होमवर्क लिखता है, छोटा भी बाजू बैठ को है।